क्या आप भी सिंपल दाल खा के थक चुके हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए। जी हाँ, आज हम बनाएंगे पालक दाल जो सिंपल रहेगा और और अच्छे से। बनेगा बहुत ही कम सामान और कम समय में, लेकिन इसका स्वाद रहेगा रेस्टोरेंट जैसा। तो शुरू करते हैं आज का रेसिपी, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ले रही हूँ 150 ग्राम मसूर दाल के साथ 400 ग्राम पालक। दाल और पालक को अच्छे से धो लेंगे और पालक को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अभी लेंगे कुकर में 1.5 गिलास पानी और दाल को अच्छा से धो के उसमें डालेंगे और उसके साथ साथ स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डालेंगे उसमें। अभी इसे ढक देंगे और उबलने के लिए 3 सीटी देंगे। उसके साथ साथ पालक को अभी अच्छे से धो लेंगे और धो के अच्छे से इसे काट लेंगे। दाल हमारा ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, तो उसमें डालेंगे अभी पालक, 1 तेज़पत्ता, 3 लहसुन, 3 से 4 आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ मीडियम साइज़ का 1 टमाटर, हरी मिर्ची 4, थोड़ा सा अदरक, उसका फ्लेवर अच्छा रहता है, और मीडियम साइज़ का प्याज काट के इसमें सारे डाल देंगे। अभी इसे ढक देंगे और इसमें देंगे सिर्फ 1 सीटी, और 1 सीटी के बाद आप देख सकते हैं हमारा दाल अभी बन के रेडी है और पालक सब मिक्स हो चुका है इसमें। अभी देंगे दाल का तड़का। तो उसके लिए, जैसे कि मैं बता रही थी, मैं ली हूँ 4 लहसुन और उसके साथ साथ सूखा मिर्ची लेना ना भूले, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ जी पहले कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें लेंगे तेल। तेल गरम होने के बाद डालेंगे 5 फुटन, आप ले सकते हैं जीरा। उसके साथ साथ अभी डालेंगे सूखा मिर्ची, लहसुन और कड़ी पत्ता। उसके साथ साथ हल्दी लेंगे कलर के लिए। अभी डालेंगे दाल और इसे 2 से 3 मिनट्स ऐसे चला लेंगे। और गाइस, देख सकते हैं हमारा सिंपल तरीके से पालक दाल बन के रेडी है और स्वाद है रेस्टोरेंट का। आई होप आज का रेसिपी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये रेसिपी अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।